नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2022 के लिए जो कि आपके जुलाई में है, बहुत ही कम समय आपके पास बच रहा है। शिक्षण विधियों का बहुत ही बेहतरीन पेपर लेकर आया हूं और आज का पेपर नंबर ये 61 है। तो 25 प्रश्न हैं, टारगेट रहेगा 20 प्रश्नों को सही करने का। बिल्कुल 2500 प्रश्नों की ये सीरीज चल रही है, 61वां आपके टेस्ट है और पूरे 100 टेस्ट यहाँ पर आपके शिक्षण विधियों के कराए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, लेवल एक के लिए और लेवल दो के लिए, साथ ही जो थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा उसमें भी दोनों लेवल के लिए बेहद ही उपयोगी ये चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ पर भी यही चीज़ें आने वाली है, इसलिए अभी से इनको बिल्कुल क्लियर कर लो। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या एक है, श्रुतलेख का उपयोग तभी है जब विश्लेषण हो, मूल्यांकन हो, संशोधन हो और परीक्षण हो। साथियों, श्रुतलेख में क्या होता है, सुनकर के लिखा जाता है। क्या किया जाता है, सुनकर के लिखा जाता है। अब सुनकर के लिख रहे हैं और उसमें यूं तो है नहीं कि भाई सारे के सारे शब्द शुद्ध ही लिखेंगे, कुछ जो शब्द है वो अशुद्ध भी लिखेंगे। तो जब तक उसका संशोधन नहीं होता है तब तक श्रुतलेख को उपयोगी नहीं माना जाता है, अर्थात विकल्प नंबर आपका जो तीन है प्रश्न संख्या एक का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दो की ओर बढ़ते हैं, तो दूसरा प्रश्न है आपके, मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का सबसे प्रमुख पक्ष है, एकाग्रता, अर्थग्राह्यता, निरंतरता और क्रमबद्धता। तो बताइए प्रश्न संख्या दो में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। साथियों, मौन वाचन के अंतर्गत मानसिक क्रिया का जो सबसे प्रमुख पक्ष होता है वो आपसे प्रश्न संख्या दो में पूछा जा रहा है। तो दूसरे प्रश्न का राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या दो में सही रहेगा। साथियों, मौन वाचन में हम मौन वाचन क्यों करते हैं, अर्थ ग्रहण के लिए करते हैं। मौन वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अर्थ ग्राह्यता में त्वरितता लाना होता है, अर्थात यहाँ पर अर्थ ग्राह्यता जो दूसरा विकल्प में दे रखा है यह आपके प्रश्न संख्या दो का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या तीन की ओर बढ़ेंगे, तो आपके तीसरा प्रश्न है, भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति के विकास हेतु सबसे उपयोगी शिक्षण विधि है, देखो और बोलो विधि, सुनो और बोलो विधि, ध्वनि साम्य विधि और अभ्यास विधि। तो देखो प्रश्न संख्या तीन में कौन सा विकल्प आपका सही है, एक बार आप अच्छी तरह से प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पर बात की जा रही है मौखिक अभिव्यक्ति के विकास हेतु। साथियों, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास हेतु जो सबसे उपयोगी शिक्षण विधि है उसमें आपके जो सही आंसर आएगा वो रहेगा विकल्प नंबर दो, सुनो और बोलो, सुनकर के बोलना है, ये मौखिक अभिव्यक्ति के विकास हेतु सबसे उपयोगी शिक्षण विधि होती है। तो विकल्प नंबर आपका जो दो है प्रश्न संख्या तीन में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या चार की ओर बढ़ते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों वीडियो को। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो आपके चौथा प्रश्न है, शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि है, एकालाप विधि, संलाप विधि, विलाप विधि और वार्तालाप विधि। तो प्रश्न संख्या चार का राइट आंसर बताइए, शब्द भंडार में वृद्धि करने की इनमें से कौन सी विधि प्रमुख विधि है। साथियों, प्रश्न संख्या चार में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर चार, जो वार्तालाप विधि। वार्तालाप विधि मतलब जिसमें बातचीत की जाती है साथियों एक निश्चित बिंदु पर, तो यहाँ पर वो शब्द भंडार में वृद्धि करने की प्रमुख विधि है। विकल्प नंबर आपका जो चार है प्रश्न संख्या चार का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या पांच की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए पांचवा प्रश्न देख लेंगे, आपके प्रश्न संख्या पांच। साथियों, पांचवा प्रश्न है, रचना में मुख्य भूमिका किस लेखन की रहती है, निबंध लेखन की, पत्र लेखन की, कविता लेखन की और इनमें से कोई नहीं। तो बताओ प्रश्न संख्या पांच में कौन सा विकल्प आपका सही है। रचना की बात की जा रही है साथियों, यहां पर रचना में सबसे मुख्य भूमिका दिए गए विकल्पों में से किसकी रहेगी, प्रश्न संख्या पांच में ये पूछा जा रहा है। तो पांचवें प्रश्न में जो आपके राइट आंसर रहेगा, देखो चौथे विकल्प को यहां से आप हटा दीजिए, यह आपका आंसर नहीं है। यहां पर कविता, पत्र और निबंध, तो साथियों निबंध लेखन की सबसे मुख्य भूमिका होती है रचना शिक्षण में। विकल्प एक आपके प्रश्न संख्या पांच का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर छह की ओर बढ़ते हैं, तो छठा प्रश्न देखेंगे साथियों, आपके प्रश्न संख्या छह है, रचना शिक्षण में कैसे बढ़ना चाहिए, जटिल से सरल की ओर बढ़ना चाहिए,
स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना चाहिए और इनमें से कोई नहीं। तो वापिस आपके सामने कोई नहीं वाला विकल्प आया है जो कि आपका आंसर नहीं है साथियों। अब आपके सामने यहाँ पर तीन विकल्प वापिस बच रहे हैं, तो रचना शिक्षण में इनमें से कौन से विकल्प के अनुसार हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए छठे प्रश्न का राइट आंसर देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 6 में जो सही उत्तर है साथियों, हमें जटिल से सरल की ओर नहीं बल्कि सरल से जटिल की ओर बढ़ना चाहिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर नहीं सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ना चाहिए, और यहां पर जो तीसरा विकल्प दे रखा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये बिल्कुल आपका सही आंसर है प्रश्न नंबर 6 में। रचना शिक्षण में हमें कैसे बढ़ना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना चाहिए। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है वो आपके प्रश्न संख्या यहां पर 6 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं, यहां थर्ड विकल्प ही आपके सही आंसर है। तो साथियों 7वां प्रश्न है आपके, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शब्दार्थ बोध या फिर मनोरंजन या फिर रसानुभूति या फिर गायन क्षमता। तो बताइए प्रश्न संख्या 7 का कौन सा विकल्प आपके सही है, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य इनमें से किस विकल्प में दे रखा है। कविता शिक्षण का मतलब पद्य शिक्षण होता है, पद्य शिक्षण के अंतर्गत ही कविता आती है साथियों। तो मनोरंजन करना इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं होता है, दूसरा विकल्प पूर्णतः गलत है। शब्दार्थ बोध भी इसका प्रमुख उद्देश्य नहीं होता है, गायन क्षमता या रसानुभूति। तो साथियों प्रश्न नंबर 7 में जो आपके सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, रसानुभूति कविता शिक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में सम्मिलित है। थर्ड विकल्प ही आपके प्रश्न 7 का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है आपका, तीसरा विकल्प। साथियों प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं, मनोवैज्ञानिक होती है, कहानी होती है, नाटक होता है, कविता होती है और घटना वर्णन होता है। तो साथियों इनमें से मनोवैज्ञानिक क्या है, प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर बताइए कौन सा विकल्प आपका सही है। देखिए मनोवैज्ञानिक इनमें से घटना वर्णन, घटना का वर्णन करना मनोवैज्ञानिक नहीं है साथियों, कविता नाटक या कहानी। तो आपका राइट आंसर है इनमें से कहानी क्या होती है, मनोवैज्ञानिक होती है, प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 9। साथियों 9वां प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है, आदेशात्मक कार्य है, अनुदेशात्मक कार्य है, नकारात्मक कार्य है या फिर सैद्धांतिक कार्य है। तो बताइए प्रश्न संख्या 9 में कौन सा विकल्प आपका सही है, उपचारात्मक शिक्षण इनमें से किस प्रकार का कार्य है। साथियों उपचारात्मक शिक्षण जिसमें छात्रों की कमियों को दूर करने का कार्य किया जाता है, तो ये नकारात्मक कार्य तो नहीं है, आदेशात्मक भी नहीं है साथियों, ये सैद्धांतिक नहीं व्यवहारिक होता है, अर्थात यहाँ अनुदेशात्मक दूसरा विकल्प जो है ये उपचारात्मक शिक्षण के कार्यों के अंतर्गत आता है। तो विकल्प नंबर 2 ही आपका प्रश्न संख्या 9 में सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ेंगे, तो चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प सही है साथियों। 10वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है, छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर मिल जाते हैं, छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता है और छात्रों को लेखन शैली एवं भाषा शैली की पूर्ण जानकारी हो जाती है। तो बताइए प्रश्न नंबर 10 में आपके कौन सा विकल्प सही है, हिंदी विषय के मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र की आवश्यकता इनमें से किस लिए पड़ती है साथियों। प्रश्न संख्या 10 के सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो देखो यहाँ पर पहला विकल्प कह रहा है कि अंक देना सरल और अधिक विश्वसनीय होता है, तो ये सही कथन है बिल्कुल, छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर मिल जाते हैं तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर वस्तुनिष्ठ में नहीं बल्कि निबंधात्मक प्रश्न पत्र में मिलते हैं साथियों। छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ में प्रश्न ज़्यादा होते हैं, व्यापकता ज़्यादा पाई जाती है, तो संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है। छात्रों को लेखन शैली एवं भाषा शैली की पूर्ण जानकारी हो जाती है, जी नहीं, इसमें लिखना थोड़ी पड़ता है, सिर्फ विकल्पों का चुनाव करना पड़ता है साथियों। अर्थात यहाँ पर आपके जो प्रश्न संख्या 10 है इसमें पहला ही विकल्प आपके बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसमें अंक देना सरल होता है और ये अधिक विश्वसनीय भी होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे, यहाँ 10वें में आपके प्रथम ही विकल्प सही है। तो प्रश्न नंबर 11 को देख लेते हैं, मूल्यांकन का क्षेत्र है सीमित है, छोटा है,
असीमित है या संकुचित है। तो साथियों मूल्यांकन का क्षेत्र विस्तृत होता है, असीमित नहीं विस्तृत होता है। यहाँ पर विकल्प नंबर 3 आपके सही है, विस्तृत आना चाहिए। सीमित, छोटा या संकुचित तो आपका आंसर नहीं है, लेकिन यहाँ विस्तृत आना चाहिए। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 11 का बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे। तो देखो प्रश्न संख्या 12 पे हम आ चुके हैं। आपके 12वां प्रश्न है, भाषा है, ध्वनि संकेतों का व्यवहार भाषा है, विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम भाषा है, आत्मा की अध्वन्यात्मक बातचीत भाषा है, या उच्चारण अवयवों से उच्चारित यादृच्छिक ध्वनि की व्यवस्था भाषा है। तो बताइए इनमें से कौन से विकल्प में भाषा का बिल्कुल सही अर्थ दे रखा है साथियों। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपके 12वें प्रश्न में सही है। तो चलिए 12वें प्रश्न का राइट आंसर देख लेते हैं। ध्वनि संकेतों का व्यवहार नहीं बल्कि भाषा क्या है साथियों, विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम। जो हमारे विचार होते हैं, हम दूसरों के जो विचारों को ग्रहण करते हैं, खुद के विचारों को जो अभिव्यक्त करते हैं, विचारों का जो संप्रेषण करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, इसका माध्यम क्या होता है साथियों, भाषा होती है। अर्थात विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 12 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, ECCE के अंतर्गत किस बालकों को सम्मिलित किया जाता है। 3 से 6 वर्ष के उम्र की बालकों को, 7 से 9 वर्ष के, 6 से 9 वर्ष के और 0 से 6 वर्ष के। तो ECCE के अंतर्गत जिस उम्र के बालकों को सम्मिलित किया जाता है साथियों, उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 13 में करना है। तो देखो 13वें प्रश्न में जो राइट आंसर रहेगा आपके साथियों, ECCE के अंतर्गत 0 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बालकों को सम्मिलित किया जाता है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 13 में बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ेंगे। तो 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 है, राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के अनुसार बालकों से संबंधित किस संगठन की व्यवस्था की गई। चल बाल गृह, बाल सदन, बाल बाड़ी और आंगनवाड़ी। बालवाड़ी है या बालवाड़ी नहीं। तो देखो प्रश्न नंबर 14 में राइट आंसर बताओ, जो राष्ट्रीय बाल नीति 1974 है इसके अनुसार बालकों से संबंधित जिस संगठन की व्यवस्था की गई है साथियों, उस संगठन का नाम क्या है। प्रश्न संख्या 14 में जो आपके सही उत्तर है साथियों, ये रहेगा आपके विकल्प नंबर 2, बाल सदन की व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था की गई, बाल सदन की। विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 14 में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 15वें प्रश्न को देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 15 है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कोठारी आयोग का निर्धारित उद्देश्य था, आरोग्यवर्धक आदतों का विकास करना, सामाजिक प्रवृत्तियों एवं व्यवहारों का विकास करना, पर्यावरणीय जागरूकता का विकास करना और इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 15 में कौन सा विकल्प सही रहेगा, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है साथियों, इसके लिए कोठारी आयोग ने जो निर्धारित उद्देश्य किए थे उसके अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाएगा। तो 15वें प्रश्न में देखो, आरोग्यवर्धक आदतों का विकास करना, बिल्कुल ये इसके उद्देश्यों में आता है। आरोग्यवर्धक आदतों का मतलब क्या होता है कि स्वस्थ आदतें साथियों, स्वस्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो आदतें होती है अच्छी आदतें हो। सामाजिक प्रवृत्तियों एवं व्यवहारों का विकास करना, ये भी सही है। पर्यावरणीय जागरूकता का विकास करना, ये भी सही है। मतलब इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है, ये यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 15 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 16वां प्रश्न है, 15वें में आपके चौथा विकल्प सही है साथियों। तो चलिए 16वें प्रश्न को देख लेते हैं। लगातार बच्चों की क्षमता एवं योग्यता को जांचना तथा परखना क्या कहलाता है। अवधारणा कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है, आकलन कहलाता है या परखना कहलाता है। तो साथियों प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर बताओ, लगातार मतलब सतत रूप से बच्चों की जो क्षमता है और बच्चों की जो योग्यता है, इसको हम जांचते हैं, परखते हैं साथियों, इसको किस नाम से जाना जाएगा। 16वें प्रश्न में क्या राइट आंसर रहेगा, आकलन इसका सही आंसर है। लगातार बच्चों की क्षमता और योग्यता को जांचना क्या कहलाएगा साथियों, आकलन कहलाएगा। थर्ड विकल्प आपके 16वें प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 17वें प्रश्न को देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 17 है, सतत मूल्यांकन योजना क्या है। बाह्य मूल्यांकन योजना है, आंतरिक मूल्यांकन योजना है, निरंतर मूल्यांकन योजना है और इनमें से कोई भी नहीं। तो कोई नहीं आपका आंसर नहीं होगा साथियों। सतत मूल्यांकन, सतत मतलब
लगातार चलने वाला मूल्यांकन साथियों। तो सतत मूल्यांकन योजना बाह्य या आंतरिक मूल्यांकन योजना नहीं बल्कि निरंतर मूल्यांकन योजना है। 17वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 18वें प्रश्न को देख लेते हैं। बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार होता है अध्ययन करना, अनुसरण करना, स्मरण करना और अभ्यास करना। तो बताओ प्रश्न नंबर 18 में कौन सा विकल्प आपका सही है। भाषा सीखने का मुख्य आधार बाल्यावस्था में क्या होता है साथियों। प्रश्न संख्या 18 को देख लिया सभी ने, तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 18 में आपके जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, अनुसरण करना बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार होता है। अनुसरण किनका करता है साथियों, जो वो चीज़ें देखता है, जो चीज़ें वो सुनता है, उसके माध्यम से ही वो भाषा को सीखता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। हमें मोटिवेशन मिलता है कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मतलब चीज़ें अच्छी प्रोवाइड की जा रही है, उतनी ज़्यादा मेहनत और की जाएगी। यदि आप जितने ज़्यादा जुड़ोगे उतनी ज़्यादा और मेहनत की जाएगी। चलिए 19वें प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19 है साथियों, प्रश्न संख्या 19, ये देखिएगा थोड़ा साइज बड़ा है प्रश्न का। भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला विकल्प, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा है, भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। तीसरा विकल्प है, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। और चौथा विकल्प है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो प्रश्न संख्या 19 में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बारे में जो कथन सत्य नहीं है उस कथन का आपको प्रश्न नंबर 19 में चुनाव करना है साथियों। तो 19वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए, एक बार अच्छी तरह से प्रश्न को पढ़ लीजिए। बड़ा प्रश्न है तो थोड़ा समझ करके प्रश्न का उत्तर देना। देखो पहला विकल्प कह रहा है, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक के अंतर्गत आती है। तो बिल्कुल सही कथन है ये, क्योंकि भाषा अर्जन हो या भाषा अधिगम हो, अगर सांस्कृतिक विभिन्नता, जैसी संस्कृति है वैसे ही भाषा रहेगी। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है, ये भी बिल्कुल सही है। मातृभाषा मतलब हमारे द्वारा जो भाषा बोली जाती है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि अनुवाद का सहारा लिया जाता है साथियों, इसलिए तीसरा विकल्प आपके ये जो कथन है ये सत्य नहीं है। तो यही आपका प्रश्न संख्या 19 में बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। चौथा विकल्प क्या कह रहा है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण। भाषा अधिगम प्रयास के माध्यम से सीखा जाता है लेकिन भाषा अर्जन स्वाभाविक है साथियों, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। तो ओनली तीसरा ही विकल्प आपके 19वें प्रश्न में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 20वां प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 20, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर और भाषा की पाठ्य पुस्तकें। तो भाषा सीखने के लिए जो कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उस कारक का चुनाव आपको प्रश्न संख्या 20 में करना है साथियों। देखो भाषा के व्याकरणिक नियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं माने जाते हैं, ना ही पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर, बल्कि साथियों जो समृद्ध भाषिक वातावरण है वो भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होते हैं। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 20 में बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। तो 21वां प्रश्न देख लेते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा की बारीकी एवं सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं से परिचय कराना और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने पर अनिवार्यतः बल देना। तो जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 21 में करना है साथियों। तो कौन सा विकल्प सही रहेगा, एक बार वापस से प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए ताकि आपका जो उत्तर है वो किसी भी कंडीशन में गलत ना हो। साथियों यहाँ पर ये जो प्रश्न है बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत तैयारी आप कर सकते हो निश्चिंत होकर के। निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य है उच्च प्राथमिक स्तर पर। भाषा की बारीकी सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास ये भी है।
विभिन्न साहित्यिक विधाओं से परिचय कराना और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करने पर अनिवार्यतः है बल। तो चौथा विकल्प गलत है क्योंकि ये उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्यों में नहीं आता है। यहाँ पर अनिवार्यतः बल नहीं दिया जाता है, भले आप प्रयोग करो लेकिन अनिवार्यतः नहीं होता है साथियों वो। इसलिए चौथा ही विकल्प आपके प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। तो 22वां प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण के कितने उद्देश्य होते हैं? 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न को मैंने पिछले टेस्ट में भी पूछा था कि हिंदी भाषा शिक्षण के कितने उद्देश्य होते हैं साथियों, और वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा शिक्षण के 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। विकल्प 3 ही आपके प्रश्न नंबर 22 में सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 23 को देखेंगे। शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है प्रश्न विधि, अभ्यास विधि, अनुकरण विधि और इकाई विधि। तो इनमें से शिक्षण की श्रेष्ठ प्रविधि का आपको चयन करना है प्रश्न संख्या 23 में। कौन सा विकल्प है साथियों आपके सही उत्तर? तो साथियों शिक्षण की श्रेष्ठ विधि दिए गए विकल्पों में से प्रश्न विधि है। प्रश्न विधि में छात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं और छात्र उसका उत्तर देते हैं, मतलब छात्र पूर्णतः एक्टिव रहते हैं साथियों इस विधि में। इसलिए यही आपके प्रश्न संख्या 23 में सही रहेगा प्रथम विकल्प। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 24वां प्रश्न देखेंगे। जो प्रश्न नंबर 24 है, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है समाज के नियम रटना, बालक को समाज का ज्ञान प्रदान करना, बालक को समाज के नियमों के अनुकूल ढालना और इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक अध्ययन क्या, सामाजिक अध्ययन के जो उद्देश्य है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 24 में। आज के इस टेस्ट का सेकंड लास्ट प्रश्न है साथियों, ये आपके 61वां टेस्ट चल रहा है और इसके बाद में आपके 39 टेस्ट आना और बाकी है टीचिंग मेथड के, जो कि मैं आपके एग्जाम से पहले पूर्ण करा दूंगा साथियों। देखिए सामाजिक अध्ययन का अर्थ समाज के नियम रटना तो बिल्कुल भी नहीं है और कोई नहीं वाला भी आपका आंसर नहीं होगा। तो अब आपके पास दो चीज़ें बच रही है, बालक को समाज का ज्ञान प्रदान करना और बालक को समाज के नियमों के अनुकूल बनाना। तो साथियों देखो दूसरा या तीसरा विकल्प, तो साथियों दूसरा विकल्प कह रहे हैं कि समाज का ज्ञान प्रदान करना और तीसरा विकल्प कह रहे हैं समाज के नियमों के अनुकूल ढालना। बिल्कुल यही सामाजिक अध्ययन का सही अर्थ है, तीसरा विकल्प आपके 24 में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। देखो 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों आपका अंतिम और 25वां प्रश्न है, सस्वर वाचन का अर्थ है कवियों का लयपूर्ण गायन सस्वर वाचन कहलाता है, कहे हुए अंश का अनुकथन, लिखित भाषा का ध्वन्यात्मक पठन और ध्वनि नियमों के अनुसार स्वरों का उच्चारण। तो इनमें से सस्वर वाचन का बिल्कुल सही और सटीक अर्थ किस विकल्प में दे रखा है साथियों? प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर बताओ, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 25 में सही है? तो साथियों सस्वर वाचन का अर्थ कवियों का लयपूर्ण गायन तो नहीं होगा, पहला विकल्प तो आपका आंसर नहीं है। कहे हुए अंश का अनुकथन ये भी आपका आंसर नहीं है, बल्कि आपका सही उत्तर है ध्वनि नियमों के अनुसार स्वरों का उच्चारण करना ही सस्वर वाचन कहलाता है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है सर्वश्रेष्ठ विकल्प है साथियों 25वें प्रश्न का, इसलिए यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये कंप्लीट हुआ आपके पेपर नंबर 61। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और कमेंट करके जाना कि 25 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं साथियों। कहीं कोई त्रुटि नजर आए तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।